मैं वशिष्ठ रांची झारखंड से हूँ, अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा का संयोजक झारखंड। मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग लगातार 9 तारीख से मैं यहाँ हूँ, इसके पहले हमारे साथी लोग थे। ये जो किसान आंदोलन को मोदी सरकार, देश की जो फांसीवादी सरकार है, ये जिस तरह से किसानों के आंदोलन पर हमला बोला है, जिस तरह से किसान के आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया है, ये उसकी पूरी चाल को आज पूरे देश के किसान, पूरे देश के युवा, पूरे देश के छात्र, महिलाएं, ये सब लोग समझ रहे हैं। और ये केवल किसान की हमला नहीं है साथी, ये पूरी हमला जो है 70 करोड़ जनता पर ये हमला है। जिस 70 करोड़ जनता के लोग, घर के बच्चे मजदूर हैं, जिस 70% घर के लोग जो खेती पर निर्भर हैं और जो PDS पर निर्भर है, जो ये भंडारण की अदानी अंबानी की जो चाटुकारिता करने वाली है, कॉरपोरेट घरानों की जो दलाल सरकार है, ये चाहती है कि ये देश के लोग मजदूर बन जाए। और उसके लिए ये जो 3 जन विरोधी, कृषि विरोधी कानून जो लाया है, ये कानून के तहत में यदि हम ये लड़ाई को नहीं जीतते हैं, यह निश्चित रूप से हम अपने खेत में ही एक मजदूर बनेंगे। इसलिए समय रहते जो हमारे पंजाब हरियाणा के साथियों ने इस मोदी के चाल को, इस जादूगर के चाल को और इस फांसीवादी सरकार के चाल को ये समझ लिया कि ये हमें गुलाम बनाना चाहता है, वो भगत सिंह के विरासत को ये पालने वाले समाज, ये इसके चाल को समझा है। और ये भारतीय इतिहास का ये पहला आंदोलन है जो इतने दिनों तक चल रहा है और ये बिल्कुल शांतिपूर्वक, जबकि ये सरकार ने इसको बहुत बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे साथियों ने, पंजाब हरियाणा के किसान भाइयों ने और पूरे देश के किसान भाइयों ने जिस प्रकार से शांति व्यवस्था का एक नमूना पेश किया है और ये फांसीवादी सरकार के काले कानून के विरोध में पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। आज छात्र आ रहे हैं आप इस आंदोलन में, आज युवा आ रहे हैं, आज महिलाएं आ रही हैं, तो यह केवल अब किसान आंदोलन का ना हमारी गलती होगी, ये जन आंदोलन में बदल चुका है। और इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा हमारा हमला है। ये फांसीवादी सरकार तो हम किसानों पर बोली थी हमला, लेकिन आज एक एक बच्चा, एक एक जनता, एक एक किसान, एक एक मजदूर इस फांसीवादी सरकार के चाल को समझा है और ये जन आंदोलन पूरे देश में आग की तरह से फैल रहा है। और ये एक लड़ाई है और इस लड़ाई को अगर हम जीत जाते हैं, ये फांसीवादी सरकार भी ध्वस्त होती है, और नहीं जीतते हैं तो समझ जाइए कि हम अपने सारी संपत्ति को खो रहे हैं, हम अपने प्रतिष्ठा को खो रहे हैं, अपने खेत के अंदर में मजदूर बन रहे हैं, और हमें इस लड़ाई को जीतना होगा। इसलिए अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा पूरे देश के अंदर में जहाँ जहाँ हमारा संगठन है, हम तमाम साथियों का आह्वान किए हैं कि आप दिल्ली मार्च करो, आप सिंगूर बॉर्डर पर मार्च करो, गाजीपुर में मार्च करो, आप हर जगहों पर जहाँ आंदोलन चल रहा है अपने राज्य में मार्च करो। ये तमाम चीजें चल रही है साथियों, 16 से लेकर 23 तक भगत सिंह की शहादत तक हम लोगों ने हर राज्यों में साइकिल मार्च करके पर्चा के माध्यम से हम लोग किसान आंदोलन को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हम लोगों ने आह्वान किया है अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के द्वारा, और हम लोग जीतेंगे और जीतने के प्रयास करने के लिए लड़ेंगे भी। हमारे साथी ने कहा है कि हमारा टेंट लगा हुआ है, हर राज्यों के साथी आ रहे हैं, 10 दिन 12 दिन रह रहे हैं और इस आंदोलन से सबक लेकर अपने अपने राज्यों में आंदोलन को तैयार कर रहे हैं। और हम लोग तभी टेंट हटाएंगे जब तक ये तीनों काला कानून मोदी सरकार को वापस लेना होगा। और हम आज पंजाब हरियाणा के साथियों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर ये लड़ाई लड़ेंगे। गोली चलेगी तो पहले झारखंड का साथी आगे होगा, पंजाब का साथी, हरियाणा का साथी हमारे पीछे रहेंगे। हम पहले गोली सहने के लिए भी तैयार हैं। हम उस विरासत के लोग हैं जहां पर आदिवासियों ने इस सरकार को ध्वस्त किया। 10 साल तक जब मोदी सरकार का BJP सरकार झारखंड में रही, 21,37,000 जमीन साथियों छीन कर लैंड बैंक बनाया और कॉरपोरेट घरानों को देने के लिए वो 3-3 बार ग्लोबल समिट किया, जिसमें 120 फॉरेन के ये कॉरपोरेट घराने आए थे और वहाँ के झारखंड के आदिवासियों ने समझा, वहाँ के किसानों ने समझा, इस बारी सरकार को उखाड़ फेंका और एक क्षेत्रीय पार्टी की सरकार लाया। तो हम ये कहना चाहेंगे कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इस बेईमान मोदी का राज बदल दो। कहा गया है साथियों,
कि अधिकार पाकर मौन रहना बड़ा ही दुष्कर्म है, अधिकार पाकर मौन रहना बड़ा ही दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो इसमें हमारे घर का भी अगर भाजपा के विधायक हो, सांसद हो, उखाड़ फेंकिए, उसको गांव में आना बंद कीजिए, क्योंकि जब ये काला कानून पास हो रहा था वहां कांग्रेस भी बैठा था, वहां बीजेपी भी बैठा था, आपके भी सांसद बैठे थे, ये क्यों बिल पास हुआ, इन्होंने क्या किया, ये सत्ता का खेल, इस सत्ता के मदारियों को गांव में इस बार शिकस्त करनी होगी, गांव से बाहर करना होगा, चाहे अपना भाई बंधु कुटुंब क्यों नहीं हो, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी। और ये हमारा बड़ी लड़ाई हमको जीतने के लिए, हमें इसको जीतकर किसानों को जो अधिकार है देने के लिए, और इस तरह के काले कानून ये सरकार पूरा नहीं पास करे, इसके लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है साथियों। इसलिए हम लोग नारा देंगे कि लड़ेंगे जीतेंगे, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, मेरा नाम तुहिन देव है, मैं क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच रेवोल्यूशनरी कल्चरल फोरम का महासचिव हूँ। 27 तारीख को जब पंजाब के किसान बैरिकेड को तोड़ते हुए, जब लड़ाई लड़ते हुए सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे, उसके बाद 1 दिसंबर से क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच के साथी, अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के साथियों के साथ और क्रांतिकारी विद्यार्थी संगठन के साथियों के साथ, AIRSO के साथियों के साथ सबसे पहले सिंघू बॉर्डर पर आए। और सिंघू बॉर्डर पर आकर हमने देखा कि इतनी तकलीफों को सहने के बाद, इतनी लड़ाई लड़ने के बाद भी वो मजबूत है, वो टिके हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी जो जमीन है वो कॉरपोरेट के हाथ न जाए, उनके जो बच्चे भूखे मत मरे, दर दर की ठोकरें ना खाए उनके पत्नी और बच्चे। पूरे देश के किसानों, मजदूरों के और आम जनता, गरीबों के बारे में सोचा सबसे पहले पंजाब और हरियाणा के किसानों ने। तो हमको ये लगा कि क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच की ओर से इन साथियों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, इनसे हमको सीखने की जरूरत है। हमारे साथियों ने यहाँ पर आकर सीखा कि कैसे धार्मिक कट्टरपंथ से लड़ा जाए, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी सब लड़ रहे थे, कोई धनी किसानों का आंदोलन नहीं था। गरीब भी है, मध्यम किसान भी है, मजदूर भी है, विद्यार्थी है, महिला है, सब लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं। दूसरी बात, कोई एक नेता नहीं है, गांव के तरन तारण में, मोगा के, मांझा के, मालवा के, दुआबा के, हर गांव का किसान गीत गा रहा है, खेतिहर मजदूर भाषण दे रहा मंच पर चढ़कर। सैकड़ों और हजारों नए नेता पैदा हो गए हैं, जो शायद शहीद भगत सिंह, शहीद गुलाब कौर और शहीद उधम सिंह की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, हमको ये लगा कि गीत ऐसे बनाएं, नाटक ऐसे बनाएं जो लोगों को बताए आपकी लड़ाई सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, आपकी लड़ाई देश के प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है, आपकी लड़ाई कॉरपोरेट राज के खिलाफ है, आपकी लड़ाई थैली शाहों के खिलाफ है, जो इस फांसीवादी सरकार, जो संघी सरकार आपके ऊपर दमन लागना चाहती है, ये पूरे देश के जनता को मुक्त करने की लड़ाई है, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। तो साथियों, जिस तरह के शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि इनकलाब जरूरी है, क्यों? क्योंकि लाखों करोड़ों किसान जो अन्न उपजाते हैं वो खुद आधा पेट या भूखे पेट सोते हैं, ये मजदूर जो कपड़ा तैयार करते हैं फैक्ट्री में, ये कपड़ा खुद और उनके बच्चे नहीं पहन पाते। आज सबसे ज्यादा किसान और मजदूर बदहाल है, माली है, जार जार रो रहा है, ये समाज पर जिसको राज करना चाहिए किसान मजदूर को सबसे ज्यादा गुलाम बनाया रखा है। इसीलिए शहीद भगत सिंह ने कहा था, मेरे शहीद होने के बाद गोरे अंग्रेज चले जाएंगे लेकिन काले अंग्रेजों का राज आएगा। साथियों, क्रांति को मत रुकना, शहीदों का सपनों का भारत बनाना, एक शोषणहीन भारत बनाना जहां भेदभाव ना हो, असमानता ना हो। इसीलिए साथियों, हमने सबसे पहला गीत इसी सिंघू बॉर्डर के स्टेज पे गाया 1 दिसंबर को। वो गीत था, क्रांति के लिए उठे कदम, क्रांति के लिए जली मशाल, भूख के विरुद्ध भात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए, मेहनती गरीब जात के लिए, हम लड़ेंगे हमने ली कसम,
क्रांति के लिए उठे कदम, क्रांति के लिए जली मशाल। ये संघी फासिस्ट बोलते हैं कि हमने लाठियां चलाई, हमने पानी की तोप चलाई, आंसू गैस चलाया, अब गोली चलाएंगे। जेल में लोगों को भर दिया तिहाड़ में। तो हमारा कहना ये है कि ये जेल, ये कत्लगाह, ये गोलियों की बौछार न भगत सिंह, उधम सिंह, अजीत सिंह को रोक पाए थे, गुलाब कौर को, मास्टर दा सूर्य सेन को, न ये सारे साथी जो मेरे सामने खड़े हैं, अजीत सिंह, किशन सिंह, सतवंत सिंह, सिमरनदीप, अमृतपाल, न इनको रोक पाएंगे, न रंजीत कौर जैसे लड़ाकू महिला को रोक सकते हैं। इसीलिए हमारा कहना है, गोलियों की गंध में घुटी घुटी हवा, हिंद जेल आग में तपा तपा। गोलियों की गंध में घुटी घुटी हवा, हिंद जेल आग में तपा तपा। खून का ये राज हो खत्म, क्रांति के लिए उठे कदम, क्रांति के लिए जली मशाल। भूख के विरुद्ध भात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए, मेहनती गरीब जात के लिए, हम लड़ेंगे हमने ली कसम, क्रांति के लिए उठे कदम, क्रांति के लिए जली मशाल। जो मशाल आप लोगों ने जलाया है सिंघू में, टिकरी में, गाजीपुर में, इस मशाल को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथी कर्नाटक से क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच के आए, महाराष्ट्र से आए, बंगाल से आए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु से आ रहे हैं, वो लगातार बॉर्डर के किसानों के बीच में गीत नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। पंजाब के हमारे साथी अमृतसर से आए, फगवाड़ा से आए, ये सारे लोग मिलकर आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारे पास ताकत है किसानों की, हमारे पास ताकत है इनकलाबी मजदूरों की, पूरी देश की जनता हमारे पीठ के पीछे खड़ी है। इसीलिए लड़ाई में हमको जीत हासिल करना है। हमको ये आतंकवादी आरएसएस के नेतृत्व वाली संघी कॉरपोरेट फासिस्ट सरकार, इसको मुंहतोड़ जवाब देना है, कॉरपोरेट राज को खत्म करना है। 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह को हम ऐलान करेंगे। पूरे देश में हम यात्रा निकाल रहे हैं कि किसानों का आंदोलन देश को, प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए है। ये कृषि के कॉरपोरेटीकरण के कानून को उखाड़ कर फेंक दो, सबको आजाद करो, देश में सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य दो, धर्म के लाभ पर दंगा ना कराओ। जंग छेड़ना है तो पाकिस्तान चीन के खिलाफ नहीं, गरीबी के खिलाफ जंग छेड़ो। जंग छेड़ना है तो अनपढ़ता के खिलाफ जंग छेड़ो। जंग छेड़ना है तो स्वास्थ्य से बीमार लोगों को, स्वास्थ्य को ठीक करने की जंग छोड़ो। इसीलिए साथियों, आज हम आपके बीच में आए हैं। हमारा ये कहना है कि जंग चाहते हैं आज जंग खोर, ताकि राज कर सके हराम खोर। डॉलरों का जोर हो खत्म, क्रांति के लिए उठे कदम, क्रांति के लिए जली मशाल। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।